नमस्कार, आर के चंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक मैं स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ, जो बच्चों के डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है, बनाने में भी सरल है। बच्चों के डाल सकते हो आप, सोफा दे पीछे कुशन होते हैं उसका भी डिज़ाइन बना सकते हो जे, और टेबल क्लॉथ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। बच्चों का बेबी सूट, फ्रॉक, किसी भी पेपर भी डाल सकते हो। ये बनाना तो बहुत सरल है, चलो आपको मैं बनाना सिखाती हूँ। जी मैंने जो फंदे जो भी पैटर्न बनाना ना, ये वाली डब्बी बनती है, ये वाली, ये 8 फंदों की है। 8 के हिसाब से आप डालने हैं। पहले 2 फंदे आपने रखने हैं, पहले हमारे 10 फंदे आएंगे, आठ के हिसाब से आपने डालने, 10 फंदे पहले आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 फंदे हमारे सीधे पहले बना लेने हमने, फिर धागा आगे 8 फंदे हमने उतार लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे उतार के धागा पीछे ले जाना, फिर 8 फंदे बुन लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर धागा आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, धागा पीछे। ये हमारे फंदे कितने हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
हमारा सीधा आ जाएगा। उल्टी सिलाई जो फंदे हमने उतारे थे ना, वो हमारे सारे फंदे उल्टे जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। धागा पीछे, जो फंदे हमने इधर से सीधे बुने थे ना, वो इधर से भी सीधे ही आएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। एट एट फंदों का है हमारा डिज़ाइन है। फिर एट फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। फिर जो हमारे फंदे रह गए दस, दस हमारे हमारे फंदे सीधे आ जाएंगे। जो हम इधर से फंदे ये खाली लेते हैं ना, वो वाले इधर उधर से उल्टे बने जाएंगे। ये देखो, फिर एक, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। फिर धागा आगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। धागा पीछे, फिर वन,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, फिर धागा आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दो चार छः एट, धागा पीछे एक फंदा सीधा, ऐसे आपने ये वाले फंदे जो आ रहे हैं ऐसे आपने सात ऐसे कर लो सिलाइयाँ उल्टी तरफ से। पहले आएंगे हमारे उल्टे फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, बाकी फिर आठ हमारे सीधे जो भी हमारे ये आ रहे हैं ना ऐसे हमने सात करने हैं, सात करके फिर आगे आपको बताती हूँ मैं। सात कर लो आप ऐसे, ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात हमारे ऐसे बन गए। अब हमने पैटर्न चेंज करना है, अब क्या करना है हमने हमारे दो फंदे हमारे सीधे आएंगे, फिर धागा आगे करके एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ फंदे उतार के धागा पीछे, फिर आगे हमने यहाँ से किया था ना, अब ये वाले फंदे हमने बुन लेने, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, फिर धागा आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, धागा पीछे, ये हमारे फंदे सीधे आ जाएंगे, ये एट फंदे हैं। आपने कोई स्वेटर बनाना हो कुछ भी बनाना हो अपने उस हिसाब से आठ के हिसाब से कर लो, नहीं तो इधर उधर दोनों पासे ज़्यादा ज़्यादा छोड़ लो, बीच बीच में डब्बी भी बन सकती है ये वाली। अब हम दोनों साइडों में आ जाएगा, अब ये फंदे सीधे आएंगे, आगे उल्टे थे अब सीधे आ जाएंगे। अब ये वाले हमारे उल्टे आ जाएंगे, जो धागे हमने फंदे उतारे थे ना वो उल्टे। धागा पीछे, आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, धागा आगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, धागा पीछे, दो फंदे हमारे सीधे। ऐसे ही हमने ये वाले भी साथ ऐसे ही करने हैं, देख कर आपको फिर बता देती हूँ। दो फंदे सीधे, धागा आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, एट फंदे उतार के धागा पीछे, फिर एट फंदे हमने सीधे बुन लेने, वन टू थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन एट, फिर धागा आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, धागा पीछे, थोड़ा ढीला छोड़ना क्योंकि हमने इसमें डिज़ाइन भी बनाना ना, फिर ये हमारे फंदे सीधे आ जाएंगे। उल्टी तरफ से जो हमने धागा छोड़ा उल्टे बुनने हैं, बस इतना ध्यान रखना। ये देखो, नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, ये साथ साथ हमने बनाने हैं, सेवन थे बने आएंगे ये वाले। अब इसके अंदर हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है आपको मैं दिखाती हूँ, ये डिज़ाइन कैसे, ये रिबन है, आपके पास कोई रिबन हो मल्टी कलर के भी लगा सकते हो, एक कलर का भी लगा सकते हो, बीच बीच में जो मर्जी कलर लगा सकते हो। ये मैंने देखो पाँच सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने काट लिया, दोनों तरफ से आप लाइटर के सहायता से जहाँ किसी के साथ मोमबत्ती के सहायता से ये आपने इसको रब कर लेना, लाइटर के साथ भी कर लो। ये देखो यहाँ से उठाएंगे, ऐसे कर लिया, देखो इसमें अंदर अंदर डाल लिया, पहले इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे करके इस तरह से करके फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना, फोल्ड करके आपके पास जो कई बार रिबन होते हैं ना, कई मल्टी कलर के भी हो, थोड़े छोटे पीस भी, वो भी लग जाएंगे, एक कलर का लगाना चाहो एक कलर के भी लग जाएंगे, जैसे आपकी इच्छा हो। फिर इसको ऐसे करके थोड़ा अंदर को घुमा देंगे, जो हमने सिलाई की है उसके अंदर चली जाएगी। ये देखो ये पूरा बन गया, होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपने बच्चे के कुछ भी आप बना सकते हो, बनाना इसको बड़ा थोड़ा सा घुमा देना क्योंकि ये जो सिलाई है अंदर चली जाए, बहुत सरल है ना, ये कितना सुंदर लग रहा है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, थैंक यू।